कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हाँ जी नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद एक बार फिर आपके लिए हाजिर है दोस्तों। और दोस्तों आज का ये जो लेक्चर है इसको मैं वीडियो नंबर टू बोल रहा हूँ, लेक्चर नंबर टू बोल रहा हूँ। और आज हम बड़ा बेसिक लॉजिक क्लियर करने वाले हैं। और बेटे चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्रीज। हमने पहला लेक्चर कर लिया है कि भाई जर्नल एंट्रीज कौन सा स्टेप है, हाउ टू रिकॉर्ड, और क्या क्या छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा अकाउंटिंग इक्वेशन को आने से जर्नल एंट्रीज को करने से पहले अकाउंटिंग इक्वेशन पता होनी चाहिए, अजम्पशंस पता होनी चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम पता होना चाहिए। इसी तरह से आज जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, यकीन मानिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही लॉजिकल कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों आज हम वीडियो नंबर टू, लेक्चर नंबर टू जर्नल एंट्रीज की बातें कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड, व्हाट इज टू बी डेबिटेड एंड हाउ इट इज टू बी डेबिटेड, क्या क्रेडिट करना है, कितना क्रेडिट करना है, सारी बातें होंगी दोस्तों आज। बस आज का लेक्चर आपने ध्यान से सुनना है, अपना रजिस्टर बाहर निकाल लीजिए। और वीडियो नंबर टू, लेक्चर नंबर टू, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जनरल बुक, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जनरल बुक। बेटे कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, मैं भूपेश आनंद आज आपको मन से मन की बात करूंगा। मैं आज अपने आप को आप जैसा मानूंगा और ये सोचूंगा कि आपके मन में क्या क्या क्वेश्चंस उठ सकते हैं। जैसे आपके मन में ये जरूर आता होगा कि यार जर्नल एंट्रीज के पीछे हमने करना क्या है, या जर्नल एंट्रीज में हम रिकॉर्ड क्या करना चाहते हैं, या जर्नल एंट्रीज किसकी रिकॉर्ड होंगी, या जर्नल एंट्रीज का डेबिट और क्रेडिट का चक्कर क्या है, इसके पीछे सेंस क्या है। तो बेटे आज वो सारी बातों का खुलासा करूंगा। सबसे पहली बात, आपका पहला प्रश्न मैं आंसर कर रहा हूं कि बेटे कोई भी हमारे कंपनी में, हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है, और बेटे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है, उसको डिटेल में रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने एंट्री कर दी बेटे, वो तो हमने डिटेल में नहीं किया, हमने जुगाड़ कर दिया, यहाँ पे भी प्लस माइनस किया, यहाँ भी प्लस माइनस किया, और अकाउंटिंग इक्वेशन अपनी इंटैक्ट कर दी। बट अगर किसी ट्रांजैक्शन को हम डिटेल में, विस्तार में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बेटे डिटेल में, विस्तार में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो दोस्तों हम जनरल बनाते हैं, जनरल बुक बनाएंगे और उसमें एंट्रीज पास करेंगे। बेटे हम डिटेल में लिखेंगे, उसकी नरेशन लिखेंगे, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें लिखेंगे बेटे। तो पहली बात आपको मैं आंसर कर दिया कि जनरल का मतलब है इफ आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड समथिंग इन डिटेल। नो जस्ट इन दिस जनरल, बिकॉज ये दुनिया जो है दोस्तों डबल इफेक्ट पे चल रही है। ये दुनिया दो तरीकों से चल रही है। दो तरीके मतलब आप कोई भी चीज लेते हैं। चलिए पहले आप एक बार पहले फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, व्हाट इज एक्चुअली रिकॉर्डेड इन जनरल। जनरल एंट्री इज डिटेल ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। बेटे किसी भी ट्रांजेक्शन का डिटेल वर्जन इस जनरल। इसका मतलब आप जनरल में जब जाएंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या हुआ, कितने बजे हुआ, किससे हुआ, क्या लिया, क्या दिया, क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या आया, क्या गया, क्या मुनाफा, क्या नुकसान। बेटे सारी बातों का खुलासा जनरल करती है, इसलिए हमें जनरल बुक बनानी चाहिए। अब सवाल आता है कि हम ये बनाते कैसे हैं। हम बेटे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन, अजम्पशंस के साथ साथ डबल इफेक्ट जरूर देखेंगे किसी भी चीज का। बेटे इस दुनिया में कोई भी चीज का डिफेक्ट डबल होता है बेटे, एक सिंगल इफेक्ट नहीं है। आप आज इस दुनिया में आए तो बेटे इसका डबल इफेक्ट है। आपको समझने की कोशिश करना जो मैं कहने जा रहा हूं। इसका मतलब फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। आप आज पढ़ाई कर रहे हो, आज आप टाइम लगा रहे हो, आज आप नेट देखकर मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो बेटे आप कुछ दे रहे हो और फिर कुछ मिल रहा है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप खाली देते हो और कुछ मिलता नहीं, या खाली आपको मिलता है तो कुछ देते नहीं। बेटे हर चीज का इस दुनिया में डबल इफेक्ट है। तो बेटे जर्नल एंट्रीज को जब हम पास करेंगे
तो हम उस ट्रांजैक्शन में जरूर देखेंगे कि उसके कौन से दो एलिमेंट्स हैं, उसके दो पार्ट्स क्या है। उसको बेटे हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन को हम तोड़ेंगे, किसी भी घटना को हम तोड़ेंगे बेटे, हथौड़े मारेंगे और उस ट्रांजैक्शन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और जब वो टूट जाएगा तो उसमें से दो हिस्से निकल लें, दो पार्ट्स निकल लें, दो एलिमेंट्स निकल लें बेटे। उसमें से एक एलिमेंट को हम डेबिट करेंगे और बेटे एक एलिमेंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब बेटे आपको ये जरूर मन में विश्वास मन में प्रश्न आ रहा होगा कि डेबिट का मतलब क्या है और क्रेडिट का मतलब क्या है। अभी बताऊंगा बेटे, डेबिट कब करेंगे अभी बताऊंगा, क्रेडिट कब करेंगे अभी बताऊंगा, डेबिट क्या होता है अभी बताऊंगा, क्रेडिट क्या होता है अभी बताऊंगा। अभी तक ये समझ लीजिए कि हम जर्नल एंट्रीज को जब भी पास करते हैं तो हम पहले उस ट्रांजैक्शन को तोड़ेंगे और उस ट्रांजैक्शन के दो हिस्से करेंगे। उसमें एक हिस्से को हम डेबिट करेंगे और एक हिस्से को हम क्रेडिट करेंगे। सवाल ये आता है कि जैसे मैथमेटिक्स में बेटे हम करते हैं ना, मैथमेटिक्स में एक नंबर है 25। अब बेटे 25 पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है। इसका मतलब दो चीजें होती है ना बेटे। बेटे अकाउंट्स में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। अकाउंट्स में सारा कुछ रुपीस में, मॉनेटरी वैल्यूज में, डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरोस में, स्विस फ्रैंक में, इटली लीरा में होता है। इसका मतलब अब हमें उसको पॉजिटिव या नेगेटिव करने के लिए हम दो चीजों का प्रयोग करते हैं, एक बेटे डेबिट और एक क्रेडिट। मैं रिपीट करूंगा बेटे, हम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं करते अकाउंट्स में, हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में प्लस या माइनस करते हैं, वैसे यहां पर डेबिट या क्रेडिट का इस्तेमाल करेंगे। एक नाम होंगे बेटे, आप घबराना क्यों ऐसे यार, डेबिट या क्रेडिट से घबराएं क्यों। आइए आइए मैं आपके सामने बड़ी प्यारी सी बात लिख चुका हूं, डबल एंट्री और डबल अकाउंटिंग मींस रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजेक्शन इन बोथ ऑस्पेक्ट्स। इसका मतलब उसको दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना, किसी भी ट्रांजेक्शन को के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना, उसका नाम है डबल एंट्री और डबल अकाउंटिंग। बेटे उसमें दो हिस्से निकालना, दो एलिमेंट्स निकालना, दो पार्ट्स निकालना। तो मैं यहां पर लिख चुका हूं डिवाइडिंग एवरी ट्रांजेक्शन इंटू टू पार्ट्स, पार्ट वन पार्ट टू। जैसे मैंने एक पेपर शकर परचेज किया, तो मैंने 50 रुपए दिए और ये लिया, तो बेटे इसके दो पार्ट्स हो गए। आई हैव परचेज दिस पेपर होल्डर, तो आई हैव परचेज दिस, परचेज किया पेपर होल्डर, ये एक पार्ट वन हो गया, और मैंने अपनी जेब से पैसे दिए, ये पार्ट टू हो गया। तो बेटे किसी भी ट्रांजेक्शन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, और उन दो एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट को हम डेबिट करते हैं और एक एलिमेंट को हम क्रेडिट करते हैं। मान लीजिए डेबिट और क्रेडिट प्लस या माइनस है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। अब सवाल आता है कि किसको डेबिट करेंगे या किसको क्रेडिट करेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा, एज इन मैथमेटिक्स अ नंबर कैन हैव टू वैल्यूज, एक मैथमेटिक्स में दो नंबर, एक नंबर की दो वैल्यूज हो सकती है, प्लस या माइनस। सिमिलरली इन अकाउंट्स मॉनेटरी वैल्यू, बेटे हमारे प्लस या माइनस नहीं होता अकाउंट्स में, मॉनेटरी वैल्यू होती है। इसलिए हम एक एलिमेंट को डेबिट करेंगे और एक एलिमेंट को क्रेडिट करेंगे। प्लीज पहले यहां तक लिख लें। अब पिक्चर अब शुरू होने वाली है कि डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। आइए आइए बेटे, किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मुझे पता है आपको इसमें बड़ी टेंशन सी है, लेकिन आज बिना किसी रट्टाफिकेशन के, बिना किसी रूल को याद किए, बिना रट्टा मारे हुए बेटे, आज आपके सामने एक ऐसी विद्या आ रही है जिसका कोई वैल्यू नहीं है बेटे। उस बिग क्वेश्चन का मैं आंसर करने वाला हूं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या चीज डेबिट करनी है और क्या चीज क्रेडिट करनी है। तो बेटे डेबिट और क्रेडिट के लिए विच पार्ट और एलिमेंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच पार्ट और एलिमेंट इज टू बी क्रेडिटेड, ये देखना जरूरी है ना। तो मैं आपको मूल मंत्र दे रहा हूं, उस मूल मंत्र से मुझे पता चल जाएगा कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। इसी को तो याद करना है बेटा, इसी को तो समझना है, इसी लॉजिक को तो देखना है, यही तो आत्मा है। आइए मैं आपके सामने आ चुका हूं, मैं इसके लिए आपके सामने कुछ केस स्टडीज लूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा, कुछ रियल बातें लूंगा और फिर उसको अकाउंट की जर्नल एंट्री से जोड़ूंगा, तो आपको पता चलेगा कि क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। एक बार बेटे लिख लें आप।
बेटर रियल केस स्टडी की बात करूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा रियलिटी में हम क्यों डबल इफेक्ट लेते हैं, और फिर आपको धीरे धीरे ये बताऊंगा कि डेबिट किसको करते हैं और व्हाई डेबिट एंड व्हाई क्रेडिट। बेटे मैं आपसे एक बात करता हूँ कि आपके घर में आपके भाई, आपके बहन, आपकी दीदी, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंडमदर, बेटे कोई ना कोई तो जरूर, मैं तो कहता हूँ सभी काम जरूर करते होंगे, जॉब में जाते होंगे, ऑफिस में जाते होंगे, या उनका अपना बिजनेस होगा। तो मेरा आपसे सवाल है कि वो सब काम क्यों करते हैं? अब आप कहेंगे सर कैसी बातें करते हो, पैसा कमाने के लिए हम काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए वो हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स काम करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरा दूसरा सवाल है कि वो जो पैसा कमाते हैं उस पैसे से वो क्या करेंगे? सवाल ये आता है कि पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? सर आप दोबारा से दूसरा क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं, पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि उनको कपड़े खरीदने हैं, उनको खाना खाना है। बेटे आप खाना खाना है तो 500 का नोट तो खा नहीं सकते। अब बेटे कपड़े लपेट रहे हैं, सर्दी लग रही है, तो 500 के नोटों से तो ऊपर लपेट नहीं सकते, कंबल नहीं बना सकते उसका। इसका मतलब दे हैव टू परचेज सम गुड्स और थिंग्स, और दे हैव टू गेट सम सर्विसेज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज, जैसे मोबाइल फोन सर्विसेज, जैसे मेड की सर्विसेज। बेटे आप में से जितने भी आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि हम सबके पेरेंट्स, हम सबके रिलेटिव्स काम करते हैं बेटा पैसा कमाने के लिए, और उस पैसे से वो क्या करना चाहते हैं? बेटे पैसे से वो सामान खरीदना चाहते हैं, थिंग्स खरीदना चाहते हैं, सर्विसेज परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि रोजमर्रा की लाइफ में उनको वो सब कुछ चाहिए। तो मैंने आपके सामने एक रियल केस स्टडी रखी है। मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट अपने रजिस्टर्स में ये लिख तो ले, जिससे कि जब आप रिवाइज करें तो आपको एक लिंकेज समझ आ जाए कि सर ने बोला क्या था। क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ डेबिट और क्रेडिट की बात, डबल इफेक्ट की बात। तो आप लिखें रियल केस स्टडी, बेटे ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, रिलेटिव, जॉब, बिजनेस, टू अर्न मनी। बेटे हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? बेटा सिंपल सी बात है, जैसे अभी हमने कहा, बेटे मुझे प्यास लगे तो मैं पानी थोड़ी, मैं नोट थोड़ी पीना शुरू कर दूंगा। बेटे मुझे पानी चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे मोबाइल फोन चाहिए, मुझे गुड्स चाहिए, मुझे कंबल चाहिए, मुझे बेड चाहिए, मुझे कार चाहिए, बेटे मुझे टीवी चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए। आई रिक्वायर दीज थिंग्स, इट मीन्स आई विल बी यूजिंग दैट मनी फॉर टू थिंग्स। इधर आई वॉन्ट टू परचेज अ थिंग, वस्तु खरीदनी है, या हमें कोई सर्विस लेनी है। इसके लिए आप पैसा कमाना चाहते हो। इसका मतलब आप जब पैसे दोगे तो आप कोई वस्तु परचेज करोगे, आप जब पैसे दोगे तो आप कोई सर्विस लोगे। इसका मतलब देयर आर टू इफेक्ट्स ऑफ एनीथिंग। इस दुनिया में कुछ भी है उसके डबल इफेक्ट्स हैं। आज आप नेचर के साथ जो कर रहे हो कल बेटे वही मिलने वाला है। आज हम पानी वेस्ट करेंगे तो कल आपको प्रॉब्लम आने वाली है। एवरीथिंग हैज डबल इफेक्ट। So in accounts also, बेटे accounts में भी हम हर चीज का double effect लेते हैं, क्योंकि actually भी होता ही double है। आप किसी भी transaction को दो parts में divide कर सकते हैं, और सबसे पहला काम journal entries के लिए हमें उसको दो parts में divide करना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेन देन, बेटे दे रहा क्या हूँ? कैश ले क्या रहा हूँ? Either things or services। So that real case study, I want to earn money because I want to purchase things or services. I am getting things or services and I am paying cash for that. ठीक है जी, double effect हुआ। तो मैं prove क्या करना चाह रहा हूँ? मैं ये prove करना चाहता हूँ कि double effect लेना जरूरी है। अब मैं आ गया जी basic logic में, general entries में। जैसे अभी हमने देखा कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन होती है और उस ट्रांजैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं और वो दो एलिमेंट्स होते हैं, एक पार्ट में आप लेते हो और एक पार्ट में आप देते हो। बेटे हम जिस चीज को लेते हैं, जो लिया, जो लेन है, बेटे मैं या तो कुछ दूंगा या कुछ ले लिया, और मैं कुछ दूंगा या मैंने दे दिया। जैसे मैंने कहा मैंने पेपर होल्डर खरीदा तो पेपर होल्डर मेरी जेब में आ गया, मेरी जेब से पैसे चले गए। तो मैंने कहा पेपर होल्डर मैंने लिया, ये मेरे पास आया, पैसे चले गए। पेन खरीदा, पेन आया, पैसे चले गए। कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर आया, पैसे चले गए। बाइसाइकिल परचेज की, बाइसाइकिल आई, पैसे चले गए। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने पेमेंट की, सर्विसेज ली, पैसे चले गए। मोबाइल फोन सर्विसेज ली, पैसे चले गए। इसका मतलब आप कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन में देखो
तो दो पार्ट्स में एक पार्ट में आप कुछ ले रहे होगे और उसी ट्रांजैक्शन में दूसरे पार्ट में आप कुछ दे रहे होगे। तो जब कुछ ले रहे हो तो मैं कहूंगा जो भी कुछ हम ले रहे हैं उसको हम डेबिट करेंगे। सर एक बार दोबारा बोलना। हाँ बेटा बोलूंगा ना, क्यों नहीं बोलूंगा, यही तो मूल मंत्र बता रहा हूं। मैंने कहा हम अकाउंट्स की भाषा में जो भी कुछ लेते हैं या कुछ लेंगे अभी या भविष्य में उसको डेबिट करेंगे, और जो भी कुछ देते हैं या देंगे उसको क्रेडिट करते हैं। बेटे ध्यान से पहले फोटो बना लो और बताऊंगा बेटे, ऐसे ऐसे लॉजिक्स बताऊंगा, ऐसी ऐसी केस स्टडीज आज करा दूंगा कि आज के लेक्चर के बाद आपके मन में डर नहीं रहेगा कि जनरल एंट्रीज के रूल्स क्या करने हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट कुछ नहीं, बस खाली लॉजिक भूपेश आनंद का। बेटे लिख लो, पहले चित्र बनाओ बेटे, जनरल एंट्रीज के दो ब्रांचेस बनाओ, लेन देन, लेन के नीचे लिखो लिया है, देन के नीचे लिखो दिया है, या कुछ लूंगा या कुछ दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिखा आपको समझाने के लिए, राम कहता है मुझे पेन लेना है, तो मैं कहूंगा पेन लेगा, कैश देगा। दो इस ट्रांजेक्शन को मैंने 200 में डिवाइड कर दिया, पेन का आना कैश का जाना, तो बेटा कुछ आ रहा होगा कुछ जा रहा होगा, कुछ लेन होगा कुछ देन होगा, है या नहीं। अब बेटे अकाउंट्स की भाषा में, बेटे हर चीज की अपनी भाषा है ना, आप रशिया जाओ तो रशियन बोलनी पड़ती है, जर्मनी जाओ तो जर्मन बोलनी पड़ती है, फ्रांस जाओ तो फ्रेंच बोलनी पड़ती है ना बेटे, बोलो। इसी तरह से अकाउंट्स में भी हम अकाउंट्स की भाषा यूज करते हैं। अकाउंट्स वाले क्या करते हैं, जो कुछ लिया, जो लेन है, जो आ रहा है, उसको कहते हैं हमने डेबिट किया। हाँ बेटे अकाउंट्स की भाषा है, और जो कुछ दिया, जो जा रहा है, जो दूंगा, उसको क्रेडिट कहते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। कितना सिंपल सा है बेटे, ऐसी घबरा कर हमने बुक्स में बाकी टीचरों से देखकर घबरा टेंशन ले ली। बेटे मैं कहता हूं किसी भी ट्रांजैक्शन के दो पार्ट्स करो, उसमें आप देखो एक पार्ट में आप कुछ ले रहे होगे और दूसरे पार्ट में कुछ दे रहे होगे। जो ले रहे हो उसको डेबिट कर दो अकाउंट्स की भाषा में, और जो दे रहे हो उसको क्रेडिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम पेन ले रहे हैं, तो बेटे अकाउंट की भाषा में पेन इज टू बी डेबिटेड, कैश इज टू बी क्रेडिटेड। पेन इज टू बी डेबिटेड, कैश इज टू बी क्रेडिटेड। बेटे इस एग्जाम्पल में देखो दो एलिमेंट्स है। इसी तरह से मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने ब्यूटी पार्लर में गया, शहनाज हुसैन के ब्यूटी पार्लर के में एक मैडम गई और उन्होंने सर्विसेज ली, आईब्रोज ठीक कराई, फेशियल कराया, हेयर ठीक कराए, तो मैं कहूंगा सर्विसेज आ रही है, कैश जा रहा है। तो बेटे अकाउंट्स की भाषा में मैं कहूंगा सर्विसेज टू बी डेबिटेड, कैश टू बी क्रेडिटेड। जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, जो आ रहा है उसको डेबिट करो। बेटे आप समझ रहे ना जो मैं कहना चाह रहा हूं, बेटे लॉजिक समझ आ रहा है। मैंने आपको बताया कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, और उसमें एक पार्ट में आप कुछ ले रहे होंगे, दूसरे पार्ट में दे रहे होंगे। बेटे इस दुनिया में कुछ फ्री तो मिलता ही नहीं ना मेरे बच्चे। देखो सर्विसेज ली, कैश गया, जैसे परचेज ऑफ कंप्यूटर आ रहा है, कैश जा रहा है। परचेज ऑफ वीडियो लेक्चर्स, आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स लिए, आपके लिए वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं, कैश जा रहा है। मेरे लिए कैश आ रहा है, लेक्चर्स जा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, कैश टू बी डेबिटेड, वीडियो लेक्चर्स टू बी क्रेडिटेड। कंप्यूटर मैंने खरीदा अपने ऑफिस के लिए, कंप्यूटर टू बी डेबिटेड, कैश टू बी क्रेडिटेड। बाईसाइकिल आपने खरीदी, बाईसाइकिल टू बी डेबिटेड, कैश टू बी क्रेडिटेड। बड़ा ही सिंपल सा है, पता नहीं मुश्किल क्यों बना दिया सबने इसको। बेटे इस मूल मंत्र से आप चलोगे तो मैं आपको कह सकता हूं कभी मुश्किल आनी नहीं है। गोल्डन रूल और बना लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड इस समय आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यकीन मानिए आप कमर सीधी करके बैठे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉजिक इस समय स्टार्ट हो चुका है। बस अब बेटा पानी के लिए भी नहीं उठना, वॉशरूम भी नहीं जाना, बिल्कुल मेरे सामने 5 मिनट आने वाले ध्यान से बैठोगे तो आपको हर चीज का खुलासा कर दूंगा।
बेटे गोल्डन रूल्स फॉर पासिंग जनरल एंट्रीज, एवरी ट्रांजैक्शन इज टू फोल्ड, बेटे हर ट्रांजैक्शन दो फोल्ड है। जो भी कुछ हम गेट करते हैं, जो भी कुछ हम गेट करते हैं, मैंने पोटली बनाई, मैंने घड़ा बनाया, मैंने उस घड़े में लिखा हर ट्रांजैक्शन के दो फोल्ड हैं, जो भी कुछ हम गेट करते हैं वो सब डेबिट होता है, जो भी कुछ हम गेट करते हैं, जो भी कुछ हमें मिलता है उस सबको डेबिट करते हैं। अकाउंट की भाषा में बेटे दो अक्षर यूज करेंगे, जैसे ढाई अक्षर होते हैं प्रेम के, ऐसे ही अकाउंट्स में हम दो अक्षर यूज करते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। जो भी कुछ लेते हैं उसको डेबिट करते हैं, और बेटे जो भी कुछ हम गिव करते हैं, हम देते हैं, हम देते हैं उसे क्रेडिट करते हैं। अब बेटे गिव क्या कर सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं, या हम प्रॉमिस भी कर सकते हैं कि भाई अगर अभी हमने उधार में खरीदा है तो हम दे भी सकते, हम प्रॉमिस देंगे, प्रॉमिस क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर आते हैं। पहले आप आराम से इस पोर्टली को बनाएं, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल इस समय लिख रहे हैं, गोल्डन रूल फॉर पासिंग जनरल एंट्री, गोल्डन रूल फॉर पासिंग जनरल एंट्री, एवरी ट्रांजैक्शन इज टू फोल्ड, जो भी कुछ हम गेट करते हैं वो सब डेबिट होता है। जैसे पेन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैंने एग्जाम्पल दिया सर्विस, जैसे बाईसाइकिल, जैसे कोचिंग क्लासेस, जैसे वीडियो लेक्चर्स, जैसे मेड की सर्विसेज, आपके घर में मेड होगी तो मेड की सर्विसेज आप बाय कर रहे हैं। तो बेटे जो भी कुछ हम गेट कर रहे हैं उसको डेबिट करेंगे, और जो कुछ हम दे रहे हैं, जो जा रहा है बेटे, बेटे जो हम गिवअप करते हैं उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अब गिवअप दो चीजें हो सकती है, गिवअप दो चीजें हो सकती हैं, उसकी मैंने चार सिचुएशंस बना दी हैं। आप पहले आराम से इन चार सिचुएशंस को लिखें, उसके बाद लिखना कुछ नहीं है, खाली मेरी बात को ध्यान से सुनना है। मैंने कहा जी चार सिचुएशंस हो सकती हैं, आपको ये चारों सिचुएशन समझनी है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि रट्टाफिकेशन कुछ नहीं कर रहे। पहली सिचुएशन, आप थिंग्स खरीद रहे हो, आप थिंग्स ले रहे हो, ठीक है जी। थिंग्स का मतलब मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, आप पेन ले रहे हो, आप गुड्स खरीद रहे हो, कंप्यूटर खरीद रहे हो, आप पेपर होल्डर खरीद रहे हो, तो बेटे ये थिंग्स खरीद रहे हो। पहली सिचुएशन बड़ी सिंपल सी है, आप जो भी कुछ ले रहे हो दैट थिंग इज टू बी डेबिटेड, और जो भी कुछ दे रहे हो दैट इज टू बी क्रेडिटेड। सिचुएशन टू, आप कुछ थिंग्स नहीं ले रहे, आप सर्विसेज ले रहे हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज ले रहे हो, ब्यूटी पार्लर सर्विसेज ले रहे हो, those services are to be debited, और आप दे कह रहे हो कैश दे रहे हो, तो कैश टू बी क्रेडिटेड। अब लिखना कैसे है वो सब बताऊंगा। सिचुएशन थ्री, बेटे ये इंपॉर्टेंट है, थ्री और फोर, ध्यान से मैंने बेटे ध्यान से, मैं ले तो रहा हूं लेकिन उसके बदले में अभी कैश नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेन ले तो लिया लेकिन उसके बदले में अभी कैश नहीं था, शॉपकीपर मुझे जानता था तो उसने कहा ठीक है बाद में दे देना, तो मैंने कहा ठीक है मैं बाद में दे दूंगा। तो मैंने एक प्रॉमिस क्रिएट किया, मैंने उसको प्रॉमिस दिया। तो बेटे पेन इज टू बी डेबिटेड, प्रॉमिस इज टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि मैंने प्रॉमिस दे दिया। बात समझ रहे? हाँ, दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद जब वो प्रॉमिस, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मैं आपको एक छोटी सी बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी बताने जा रहा हूं। आज T0 है, आज आपने पेन खरीदा, आप रामलाल है, शॉपकीपर से पेन खरीदा, तो बेटे पेन तो आज ही आ गया, बेटे इसके बदले में कैश नहीं दिया, बेटे इसके बदले में कैश वैश नहीं दिया, आपने एक प्रॉमिस दिया, वायदा। हाँ, आपने एक वायदा क्रिएट किया, क्या कि ए दुकानदार मैं आज नहीं दे रहा तेरे को, चार दिन के बाद, तीन दिन के बाद, पांच दिन के बाद, दस दिन के बाद ₹50 दे दूंगा। तो आपने दो चीजें ली, पेन लिया तो पेन टू बी डेबिटेड, क्योंकि पेन आया, प्रॉमिस दिया तो प्रॉमिस टू बी क्रेडिटेड। आराम से बेटे कोई जल्दी है ही नहीं।
अब जिस दिन आप इस प्रॉमिस को, बेटा अब ऐसा तो है नहीं कि ये वायदा हमेशा पूरी जिंदगी खड़ा रहेगा, बेटे जो वायदा किया है उसको निभाना भी पड़ेगा, उसको बेटे कैंसिल भी करना पड़ेगा। आपने एक चीज क्रिएट की, आपने वायदा क्रिएट किया कि मैं आपको 10 दिन के बाद पैसे दे दूंगा, बेटा क्रिएट किया ना। 10वें दिन आप बताओ जी, 10th डे आपको वो वायदा कैंसिल करना पड़ेगा या नहीं, खत्म करना पड़ेगा या नहीं, तो आप उस दिन खाली पेमेंट करने जाओगे, लोगे कुछ नहीं। तो जैसे मैंने यहां पे सोचा कि उस प्रॉमिस टू बी क्रेडिटेड, अब मैंने किसको प्रॉमिस दिया, मान लेते मैंने पेन खरीदा सोहन लाल ब्रदर्स, तो मैंने कहा पेन इज टू बी डेबिटेड, अब प्रॉमिस जिसको दिया हम उसको क्रेडिट करेंगे, मैं लिखूंगा सोहन लाल ब्रदर्स। एक बच्चा कहता है ये कौन है, बेटे उस दुकान का नाम है सोहन लाल ब्रदर्स, जिस जो आपको दुकानदार जानता है उसकी दुकान का नाम है सोहन लाल ब्रदर्स। तो हम जब भी प्रॉमिस क्रिएट करेंगे हम उसका नाम लिखेंगे। तो मैंने लिखा पेन टू बी डेबिटेड, सोहन लाल ब्रदर इज टू बी क्रेडिटेड। अब जब मैं वो प्रॉमिस मीट करूंगा, जब वो प्रॉमिस मैं कैंसिल करूंगा, जब वो पेमेंट कर दूंगा, तो उस दिन जैसे 10th डे में गया मैंने कहा ये ले 50 रुपए ले ले। तो बेटे जो प्रॉमिस मैंने पहले क्रिएट किया था, जिसके नाम से क्रिएट किया था, उसके नाम को कैंसिल करना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया था, पहले पेन टू बी डेबिटेड, सोहन लाल ब्रदर टू बी क्रेडिटेड। अब मुझे वो कैंसिल करना है, कैंसिल क्या करना है, जो मैंने वायदा दिया था उस वायदे को तो खत्म करना है। तो मैं करूंगा सोहन लाल ब्रदर टू बी डेबिटेड, एंड कैश गया तो कैश टू बी क्रेडिटेड। अभी टू छोड़ दीजिए, कैश टू बी क्रेडिटेड, आराम से बेटे बेटे कोई, मैं कहता हूं कोई घबराने की बात नहीं, मैं 10 एग्जाम्पल दूंगा। मैं इस एग्जाम्पल को दोबारा बता देता हूं। मैंने कहा ये T0 है, आज का दिन है, ये T10 है, मैंने आज पेन लिया, तो अकाउंट्स की भाषा में कहेंगे पेन टू बी डेबिटेड, क्योंकि मैंने इसमें आज पैसे नहीं दिए, मैंने आज प्रॉमिस क्रिएट किया और मैंने प्रॉमिस दिया किसको दिया, सोहन लाल एंड ब्रदर्स को। तो मैं लिखूंगा सोहन लाल एंड ब्रदर्स टू बी क्रेडिटेड, सोहन लाल एंड ब्रदर्स टू बी क्रेडिटेड, उसको क्रेडिट कर देंगे। अब 10th डे जब मैं गया उसके पास, जब मैं गया और मैंने कहा कि मैंने आज से 10 दिन पहले तुझे प्रॉमिस किया था कि मैं दूंगा, तो बेटे उस प्रॉमिस को कैंसिल तो करना पड़ेगा, तो जिसको प्रॉमिस दिया था उसी को तो कैंसिल करेंगे। तो मैं लिखूंगा 10th डे में मैं लिखूंगा सोहन लाल एंड ब्रदर्स टू बी डेबिटेड, सोहन लाल एंड ब्रदर्स टू बी डेबिटेड एंड कैश टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि कैश चला गया बेटे, जो 0 पीरियड में जाना था वो 10th पीरियड में गया, मतलब जो 10 दिन पहले जाना था मैंने 10 दिन बाद गया, तो जो जाना था वो कैश क्रेडिट कर दिया, और जो बेटा मैंने पहले प्रॉमिस क्रिएट किया था उसी के नाम से कैंसिल करूंगा। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा बेटे, कोई घबराना ही नहीं है, मैं एग्जाम्पल ही देता जाऊंगा जब तक आपको समझ नहीं आएगा। आपने अपने दोस्त सोहन से, चलिए बंटी से, आपने आपका दोस्त है बंटी और आप हैं बबली, आपने अपनी बाईसाइकिल 15,000 रुपए की अपनी दोस्त बंटी को बेची और बंटी ने झटपट पैसे दे दिए। आप बताइए आप ने क्या लिया, आप बबली ने क्या लिया और बबली ने क्या दिया, बेटे बबली ने कैश लिया, कैश आ रहा है बबली से, बाईसाइकिल जा रही है, कैश ले लिया बाईसाइकिल दे दी। तो बताओ बेटे बबली अपनी बुक्स में क्या लिखेगी, कैश टू बी डेबिटेड, बाय साइकिल टू बी क्रेडिटेड।
अपने बाईसाइकिल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बाईसाइकिल जा रही है, गिव हो रही है और कैश आ रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मान लेते हैं आपका दोस्त बंटी है, वो ये कहता है यार हमारी दोस्ती पक्की है लेकिन मैं पैसे आज नहीं दे रहा, आज तेरे को 5,000 दूंगा, 10,000 बबली तेरे को मैं 15 दिन के बाद दूंगा। अब बताइए बेटा दोस्ती है क्या करें? आप मना भी नहीं कर सकते बेटे, दोस्त हो बेटे, बाईसाइकिल दी बेटे, 15 की थी बेटे, उसने 5 तो आज ही दे दिए और 10,000 15 दिन के बाद देने को कहे, तो आप उससे दो चीजें ले रहे हो। बताओ बेटे क्या क्या ले रहे हो? आप बताओ, आप उसे कैश ले रहे हो 5,000 का और आप उससे प्रॉमिस भी ले रहे हो। उसने वायदा किया, वायदा तुझे निभाना पड़ेगा। किसने वायदा किया? मैंने किया? नहीं बेटे, बंटी ने। तो जो वायदा क्रिएट करता है बेटे उसी का नाम लिखना पड़ता है। तो बेटे कैश टू बी डेबिटेड, बबली अपनी बुक्स में क्या लिखेगी? कैश टू बी डेबिटेड। क्यों? क्योंकि कैश आ रहा है। प्रॉमिस टू बी डेबिटेड। क्यों? क्योंकि जो प्रॉमिस उसने किया, किसने प्रॉमिस किया बेटे? बेटे बंटी ने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस टू बी डेबिटेड। तो बेटे प्रॉमिस की जगह हम उसका नाम लिखेंगे बंटी, ए बंटी, बंटी बंटी टू बी डेबिटेड। और क्या जा रहा है? बाईसाइकिल टू बी क्रेडिटेड। आराम से बेटे, कोई मुश्किल है ही नहीं यार। एंट्री लिखते कैसे, फॉर्मेट क्या है, सब बता दूंगा। पहले आत्मा तो सीख लो। कोई जरूरी नहीं है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, कुछ नहीं करना, खाली आत्मा को समझना है, मेन लॉजिक समझना है। आप जो ले रहे हो या जो आप कुछ लोगे उसको हमें डेबिट करना है, आप जो दे रहे हो या जो भी कुछ दोगे भविष्य में उसको क्रेडिट करना है। और अगर वो चीज प्रॉमिस नहीं है आपने तो जिस दिन वो प्रॉमिस आपका पूरा होगा उसको कैंसिल करना है। जैसे यहां पर 10 दिन के बाद आप बताइए 15 दिन के बाद क्या होगा? जैसे आपने 5,000 तो आज ही ले लिए, उसने कहा जी 15 दिन के बाद, बंटी ने कहा मैं 10,000 तेरे को दे दूंगा। तो आपने क्या किया? जब उसने 15th डे जब उसने बंटी ने आपको पैसे दे दिए, तो आपने जो प्रॉमिस पहले उससे क्रिएट करवाया था आज आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा 15 दिन के बाद बंटी 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 बेटे आपने उसको कैंसिल करना है और आपके पास आ क्या रहा है? कैश। तो कैश टू बी डेबिटेड, जो आता है उसे डेबिट कर दो। और बेटे पहले वाला जो आपने प्रॉमिस लिया था, क्रिएट किया था, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल कैसे होगा बेटे बताओ? बंटी टू बी क्रेडिटेड। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं यार। बेटे मैंने अभी बताया कि आपको ये 3 सिचुएशन समझनी है, 4 सिचुएशन। पहली सिचुएशन तो सिंपल सी है, आज ही सामान खरीदा, आज ही पैसे दे दिए, आज ही सर्विस ली, आज ही पैसे दे दिए। तो थिंक अकाउंट डेबिट, थिंक इज टू बी डेबिटेड, कैश इज टू बी क्रेडिटेड, सर्विस टू बी डेबिटेड, कैश टू बी क्रेडिटेड। तीसरी सिचुएशन है, मैंने आज थिंक या सर्विस ले तो ली, थिंक भी ले ली या सर्विस ले ली, लेकिन आज पैसे नहीं दिए, प्रॉमिस दे दिया, कोई बात नहीं। थिंक दे दी, थिंक ले ली, तो थिंक टू बी डेबिटेड, प्रॉमिस दे दिया, प्रॉमिस टू बी क्रेडिटेड। लेकिन जिस दिन उस प्रॉमिस को आप फुलफिल करोगे, जिस दिन आप अपनी बात को पूरा करोगे, जिस दिन आप वो पेमेंट करोगे बेटे, जिस दिन आप वो पेमेंट लोगे, जो भी केस है बेटे, उस दिन आपने जो पहले वाला प्रॉमिस क्रिएट किया है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। अगर पहले आपने क्रेडिट किया है तो कैंसिल के लिए उसको डेबिट वहां पे करोगे। सीधी सी बात है बेटे, कैंसिल कैसे होती है कोई चीज, ये बताओ मुझे, कैंसिल कैसे होती है? आपने बहुत मीठा खा लिया तो कैंसिल कैसे होगा? नीम खाकर, करेला खाकर, करेले की सब्जी खाओ तभी तो कैंसिल होगा, आप बताओ बेटे। आपने 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 हरी मिर्च खाई और तीखी थी, छोले भटूरे खा रहे थे, हरी मिर्च खाई, अब हरी मिर्च इतनी तीखी थी कि आपसे दूसरा भटूरा खाया नहीं गया, तो आप क्या कहोगे? चीनी दे दो, पानी दे दो, कैंसिल कैसे होगा बेटे? हरी मिर्च का स्वाद कैंसिल कैसे होगा? उसके ऑपोजिट से, उसके उल्टे से, उसकी उसके विपरीत से
जैसे आप बचपन में याद करते थे दिन रात रात शाम सुबह शाम ऐसे करते थे ना, पास फेल फेल पास करते थे ना, तो बेटे आप जो बताओ जो प्रॉमिस आपने पहले दिया था या लिया था, या जो प्रॉमिस को हमने या तो डेबिट पहले किया था या क्रेडिट किया था, बेटे उसको कैंसिल करने के लिए हमें ऑपोजिट करना पड़ेगा या नहीं? किस दिन? जिस दिन वो प्रॉमिस फुलफिल हो रहा है। जैसे बाईसाइकिल वाला एग्जांपल दिया मैंने, आप बबली हो, सर हम बबली हैं, हाँ आप बबली हो, मैं बंटी हूँ, मैंने आपको 5,000 आज दे दिए और कहा ए बबली ए बबली सुन ना बबली ये ले लेना मेरे से वायदा ले लेना बबली, मैं आज तो नहीं पैसे दे पाऊंगा बबली, 15 दिन के बाद दूंगा बबली, तेरे 10,000 जो बैलेंस रह गए। आप बबली हो तो आप अपनी किताबों में आपको क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है और मेरे से प्रॉमिस मिल रहा है, और आपसे क्या जा रहा है? बाईसाइकिल जा रही है। तो बेटे कंसेप्ट क्या है? जो आ रहा है, जो लिया, जो लोगे उसको डेबिट करो, और जो दोगे, जो दिया उसको क्रेडिट करो। अकाउंट्स की भाषा में डेबिट और क्रेडिट हम दो अक्षर यूज करते हैं। हाँ, इसका बेसिक लॉजिक क्या है डेबिट का और क्रेडिट का, वर्ड मीनिंग क्या, भी हम देखेंगे बेटे विकिपीडिया से। और मैंने एक लेक्चर में बताया भी हुआ है कि डेबिट का आगमन कहां से हुआ, कौन से देश से, क्रेडिट का आगमन कहां से हुआ, अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे, अभी लॉजिक पहले समझ लो। तो आप बबली हो, आप क्या करोगे? कैश आ रहा है, कैश टू बी डेबिटेड, प्रॉमिस आ रहा है, प्रॉमिस टू बी डेबिटेड, बाईसाइकिल जा रही है, बाईसाइकिल टू बी क्रेडिटेड। ये तो हो गया जीरो पीरियड में। कुछ दिनों के बाद मैंने आपको 10,000 भी दे दिए, आपको 10,000 दे दिए, तो आपको के पास क्या आया? कैश आ गया। तो आप कैश टू बी डेबिटेड करोगे, और क्या जा रहा है? जा कुछ नहीं रहा, लेकिन जो प्रॉमिस पहले क्रिएट किया था आप उसको तो कैंसिल करोगे। तो पहले प्रॉमिस जो क्रिएट किया था उसमें आपने बंटी को डेबिट किया था, कैंसिल कैसे होगा? जब तक उस बंटी को आप क्रेडिट नहीं करोगे। तो बेटे देखो देखो, मैंने वही तो एंट्रेंस बताई है आपको, क्या बोला है देखो बेटे, कैश टू बी डेबिटेड, बंटी टू बी क्रेडिटेड 15th day में। तो बेटे तीन सिचुएशन मैंने समझाने की कोशिश किया। हाँ सर, तीन तो समझ आ गई, फोर्थ सिचुएशन क्या होता है? बेटे आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक एक मोबाइल फोन एप्पल का मिला, आपने इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा था, झटपट मोबाइल फोन उठाया, आपने अपनी जेब में डाल दिया। बेटे आप जब घर आए तो आपने देखा कि उस मोबाइल फोन की कीमत लगभग 50,000 रुपए होनी चाहिए। अब आप ये बताइए, आपको मोबाइल फोन मिला, फोर्थ सिचुएशन बता रहा हूं, आपको मोबाइल फोन मिला लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं दिया आपने, कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो मैं फोर्थ सिचुएशन बता रहा हूं जो प्रॉफिट या लॉस की होगी। बेटे यहां प्रॉफिट हो गया, मोबाइल फोन मिला, तो मोबाइल फोन टू बी डेबिटेड एज पर द अकाउंट, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है कुछ गया ही नहीं, कुछ गया ही नहीं, ना तो कैश गया, ना प्रॉमिस गया, कुछ नहीं गया, तो बेटे प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। आप समझ गए, सिचुएशन फोर में दो सिचुएशन सब सिचुएशन हो सकती है, प्रॉफिट की और लॉस की। अब मैं लॉस की सिचुएशन में आ जाता हूं बेटे। आप मुझे बताइए कि कई बार ऐसा भी तो होता है कि आप रामलाल है, आपकी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में या ऐसा समझ लेते हैं कि मैंने बिगनिंग में आपको एग्जाम्पल दिया था सोहनलाल एंड ब्रदर्स का, सोहनलाल एंड ब्रदर्स का, जिससे आपने पेन 50 रुपए का पेन उधार में खरीदा था और आपने कहा था कि मैं आज नहीं 10 दिन के बाद पेमेंट करूंगा, और क्योंकि शॉपकीपर जानता था उसने उसको पैसे दे, उसने उसको पेन दे दिया। आप बताइए शॉपकीपर, शॉपकीपर क्या ले रहा है? बेटे प्रॉमिस ले रहा है। तो शॉपकीपर को हम कहेंगे प्रॉमिस टू बी डेबिटेड, और किससे ले रहा है बेटे प्रॉमिस? रामलाल से। तो मैं लिखूंगा रामलाल टू बी डेबिटेड। शॉपकीपर के पॉइंट से देखो बेटे, शॉपकीपर के पॉइंट से देखो बेटे, शॉपकीपर, शॉपकीपर क्या ले रहा है और क्या दे रहा है? बेटे पेन टू बी क्रेडिटेड। बेटे जो ले रहा है डेबिट करेंगे, जो दे रहा है क्रेडिट करेंगे। 10 दिन के बाद हुआ क्या कि ये जो रामलाल था कुछ हरामी किस्म का था बेटे, ये भाग ही गया, ये भूल गया, या इसने पैसे नहीं दिए, मान लेते हैं। अब आप ये बताओ कि एक प्रॉमिस क्रिएट हुआ है, उसको खत्म तो करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी पूरी जिंदगी प्रॉमिस ही रहेगा, तो बेटे खत्म करना पड़ेगा। तो बेटे बेटे आप बताओ सोहन लाल एंड ब्रदर्स अपनी बुक्स में इस ट्रांजैक्शन को कैसे खत्म करेंगे? लॉस हो गया बेटे, ओए राम, लॉस हो गया। सोहन लाल को 50 रुपए रामलाल से लेने थे,
सोहनलाल ब्रदर्स को रामलाल से 50 रुपए लेने थे, रामलाल भाग गया तो बेटे लॉस हो गया, तो मैं क्या करूं, उस प्रॉमिस को जो मैंने क्रिएट किया था, जो मैंने उससे लिया था, आज खत्म करना पड़ेगा। तो बेटे उस प्रॉमिस को खत्म करने के लिए आप ये बताइए, मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल तभी होता है जब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया करेला और चॉकलेट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया हरी मिर्च और चीनी। तो बेटे आप बताइए, पहले मैंने रामलाल को क्या किया हुआ, डेबिट किया हुआ है, तो रामलाल कैंसिल, रामलाल का प्रॉमिस कैसे कैंसिल हुआ, तो मैं लिखूंगा लॉस टू बी डेबिटेड, लॉस टू बी डेबिटेड, लॉस टू बी डेबिटेड। बेटा सोहनलाल एंड ब्रदर्स वाले कह रहे हैं लॉस टू बी डेबिटेड, रामलाल, रामलाल टू बी क्रेडिटेड। बेटे रामलाल को हमने पहले डेबिट किया था, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 3 सिचुएशंस, 4 बता दीजिए सर, एक बार रिपीट कर दीजिए बेटे। बिल्कुल बेटे आप ध्यान से देखना जो मैं अब बताने जा रहा हूं। मैंने कहा आप या तो थिंग्स वस्तुएं लोगे, या आप सर्विसेज लोगे, या आप उधार में ये दोनों चीजें लोगे, और लास्ट केस आप या कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उससे या तो प्रॉपर्टी लॉस हुआ। अब आप ये बताओ, जब थिंग्स या वस्तुएं लोगे और कैश में पेमेंट करोगे तो थिंग आएगी, आएगा आने वाला, लूंगा सर्विस लूंगा, थिंग्स लूंगा, तो बेटे थिंग्स और सर्विसेज को डेबिट करना चाहिए। अकाउंट्स की भाषा में हम इस बात को लॉजिकली समझ लेंगे, जो मैं लूंगा, जो मैं जो लेना है या भविष्य में लूंगा मैं डेबिट करूंगा, और जो जो मैं दूंगा, जो गिव अप होगा क्रेडिट करूंगा। बेटे बस इस मंत्र को समझ लिया ना आपने, बाकी भी अगल्ला छटो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड केस है सर्विसेज या थिंग्स मैंने उधार में ली, कोई बात नहीं, प्रॉमिस क्रिएट कर लो। अच्छा, जब प्रॉमिस क्रिएट हुआ तो उसको कैंसिल कर दो, कैंसिल हुआ तो ऑपोजिट कर रहा है, पहले प्रॉमिस को डेबिट किया तो अब प्रॉमिस क्रेडिट होगा, पहले प्रॉमिस को क्रेडिट किया तो अब प्रॉमिस डेबिट होगा, कुछ भी कर सकते हो भाई साहब। लास्ट सिचुएशन है प्रॉफिट एंड लॉस, आपने लिया लेकिन देना कुछ नहीं पड़ा, आपने दिया लेकिन मिला कुछ नहीं, तो लॉस हो गया, मिला दिया कुछ नहीं तो प्रॉफिट हो गया। मैंने एग्जांपल दिया मोबाइल फोन का, बेटे कई बार फैक्ट्रीज में आग लग जाती है। अब आप ये बताओ, गुड्स चली गई, गुड्स गई और आया कुछ नहीं, तो बेटे लॉस ही तो हुआ। तो लॉस को हम डेबिट करेंगे, और गुड्स चली गई, गुड्स भी क्रेडिटेड। तो बेटे ये मंत्र अगर आप ध्यान से आज के लेक्चर में समझ लिया तो यकीन मानिए हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो 3 से मैं इसके प्रैक्टिकल कराना स्टार्ट करूंगा, और आपको और ज्यादा समझ आएगा जब मैं प्रैक्टिकल बातों को बताऊंगा, एंट्रीज कराऊंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन का मजा लेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।